रामलीला ग्राउंड है नगीना, रामलीला ग्राउंड नगीना, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये NH 74 पुराना हाईवे, जो गाड़ियाँ जा रही हैं इधर से ये नगीना की तरफ से आ रही हैं, और ये बड़ा हाईवे है, 1 किलोमीटर लिखा है एरिया, और ये यहाँ पर ये हाईवे चला गया, तो ये जो आपका जा रहा है, और मैं आपको एक प्लॉट है जिसको मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ कि यहाँ से रास्ता मैंने दिखाया है, हाईवे से रास्ता कैसे जाना है। ये है टाटा मोटर्स, वो सेंट मैरी स्कूल साथ इधर जा रही है आपकी धामपुर के लिए जा रही है, धामपुर के लिए हाईवे है, बड़ा हाईवे है, और ये आपका नगीने की तरफ से जा रहा है हाईवे, बात कर रहे हैं, और ये जो है टाटा के सामने से ये कॉलोनी बनी है, और यहाँ पर जो है कि बड़ा चौड़ा रास्ता उस प्लॉट पर गया है जिसको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा एक रास्ता और आगे से भी है, मेन रास्ता है वो भी, तो उसको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। जनाब मोहतरम श्रीमान जी, मैं अब आपके सामने एक ऐसे प्लॉट की बात करने जा रहा हूँ जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, और उसकी लोकेशन को भी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मेरे साथी हैं ये, मैं उनको मैं ही मान लीजिए, यानी कि मैं मास्टर सराफत हुसैन ही मान लीजिए, वो कुछ इस तरह से कह रहे हैं, और वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। मैं फोटो नहीं आ रहे हैं? ना फोटो नहीं। मैं शराफत हुसैन सिद्दीकी पिछले कई वर्षों से आपकी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन, गोदाम आदि बिकवाने में सेवा करता आ रहा हूँ। भाइयों, इसी संबंध में NH 74 रामलीला ग्राउंड धामपुर मोड़ नगीने से गुजर रहा हूँ। पास में मैरिज हॉल, नर्सिंग होम, सेंट मैरी स्कूल व नगीना लगा हुआ है। टाटा वर्कशॉप के सामने से आम के पेड़ों के बीच में एक रास्ता कोटरा गांव की तरफ जाता है। उसी सड़क पर लगभग 900-1000 मीटर की दूरी पर एक प्लाट जो 233 वर्ग गज का है बिक्री के लिए उपलब्ध है। आबादी की तैयारी चल रही है। प्लाट के दोनों साइडों में सड़क कोने पर बिजली का पोल व सामने नल लगा हुआ है, कॉर्नर पीस है, आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ प्लाट की बुनियादें भी भरी हुई हैं। सड़क में पानी के पाइप लाइन भी डली हुई है। अधिक जानकारी के लिए सारा प्रॉपर्टीज़ मास्टर शराफत हुसैन सिद्दीकी, जिनका मोबाइल नंबर है 97-56-28-67-51 पर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सामने रामलीला ग्राउंड है, और टाटा मोटर से निकल गया, और अब ये है हाईवे, इधर अस्पताल है, बिल्डिंग बनी है, वो फोर लाइन है सामने, फोर लाइन, ये यहाँ से 100 मीटर की दूरी के बाद जो गाड़ी आ रही है, फोर लाइन से होते हुए आ रही है, कि छोड़ के अंदर जाने के लिए पिथौरागढ़ डिपो, पिथौरागढ़ डिपो। तो सामने सेंट मैरी स्कूल है, वो थोड़ा कोना दिखाई दिया, वो हाईवे पे फोर लाइन पर सेंट मैरी जहाँ गाड़ी गई है वो सेंट मैरी स्कूल है, उसके वो फोर लाइन वाला है, तो नहीं हाईवे बाईपास रोड बनी है, यहाँ से नगीने के बाहर से है तो चला गया है ना, और अब ये यहाँ से नगीने के अंदर से पुराना वाला यही है, पुराना हाईवे जो बोलते हैं 74, मैं जिस प्लॉट की बात कर रहा हूँ वो प्लॉट हमारा, अब यहाँ से
टमाटर के बराबर में से थोड़ा सा लगी धापू की तरफ हो करके ये जा रहा है, ये वो रास्ता है प्लॉट में बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाना है। उसके बाद की लोकेशन मैंने दिखानी थी, बतानी थी, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ। थोड़ा रास्ता पक्का रोड है, डबल रोड है। ये कोटरा बस्ती है। अभी हम इससे चलते हुए आए हैं, ये तेरहा है, चौड़ी रोड ये भी है, पक्की रोड है, आरसीसी रोड है, पाइपलाइन पड़ रही है पानी की लाइन, इधर प्लॉट करने पड़े हैं, इधर बिल्डिंगें बन रही हैं, बन गई हैं, कुछ और बन रही हैं। ये रास्ता है, मैं उस प्लॉट पे जा रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जी। श्रीमान जी, मैं अब आपको उस जगह ले आया हूँ जिसकी मैं पीछे से लोकेशन दिखाता हुआ आ रहा था, और वो ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये प्लॉट 233 वर्ग गज का है। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है इधर से भी और दूसरी साइड से भी, 233 वर्ग गज का है ये। यहाँ भी काली रोड बनी हुई है और सरकार के द्वारा ज़िले के अंदर हमारी पेयजल योजना बहुत ज़ोरदार चल रही है, और इसके योजना के अंतर्गत पाइपलाइन पड़ी है तो सड़कें कुछ जगह टूटी हैं, मरम्मत हो गई फिर अपनी जगह हो जाएंगी। ये तो रास्ता है, डबल रास्ता हुआ, एक रास्ता तो ये हुआ और एक रास्ता ये है। ये हैंडपम्प लगाया सामने, बड़ी पहचान है, ये हैंडपम्प है, ये बिजली का खम्बा खड़ा है, ये रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ये चकोर प्लॉट है 233 वर्ग गज का, बिजली का काम करते हैं मिस्टर जिसान अहमद, इनका वहाँ पर एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज जो है उनके सामने एक दुकान है हाईवे पे फॉरलाइन पर, और जो मैं आया हूँ लगभग 500-700-800 मीटर चलने के बाद हाईवे से लगभग यूँ करते हुए मैं आ गया हूँ जहाँ वो आदमी खड़े हैं दिख रहे हैं, और चौड़ा रास्ता है होता हुआ यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। बहुत बेहतर काम है, जगह है ये, बहुत बढ़िया जगह पर है। मैं कुल मिला के ये कहूँगा, बराबर में ये कोटरा गांव है, देखिए कोटरा गांव है, ये मस्जिद है यहाँ पर और फ्लोटिंग हुई पड़ी है बहुत सारी, बस बराबर में और मकान बने पड़े हैं। आउटसाइड यानी कि जो मेन साइड जो हाईवे से टच में है वहाँ बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। मिस्टर जिसान हैं, बिजली का काम करते हैं, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नाम पता वगैरह सब, और वो आपके सामने आ जाएगा। और मेरे मित्र जिन्होंने अभी आपने शुरू में आवाज़ सुनी, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं, अपना ख्याल है उनका, अपना अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, पसंद आएगा, आपको भी पसंद आया होगा। मैं मास्टर सराफत हुसैन 57-56-28-67-51, जो भी भाई मेरे नंबर से बात करना चाहें मेरे से बात करें, एक ही बात है, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनसे बात करें। और ये प्लॉट बिक्री के लिए है, ये प्लॉट बिक्री के लिए है, ये बेच रहे हैं। बाकी दूसरी साइड भी बस्ती है, ये इधर भी सब बस्तियाँ हैं, बड़ी ठोस बस्ती है। कोटरा गांव फेमस गांव है यहाँ का, तहसील नगीना, ये नगीना की बात कर रहे हैं हम, और ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, धामपुर, अगल बगल के शहरों की बात करेंगे हम, धामपुर, इधर नगीना और उधर बिजनौर 30 किलोमीटर पर, और आसपास में जो है सहारनपुर ज़िला है, बराबर मुरादाबाद ज़िला है। दिल्ली से मेरठ होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, या दिल्ली से गजरौला गाज़ियाबाद होते हुए इधर पहुँचते हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल है। आपसे मैं यही कहूँगा साथियों, आप यहाँ पर लेकर डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, फायदे में रहेंगे।
ज़ाहिर है कि आप जानते हैं प्रॉपर्टी के मामले में क्या हालात हैं क्या नहीं है, जो आज रेट है कल को उसके कितने बढ़ जाते हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मेरा काम है, मेरा सहारा प्रॉपर्टी 50 एक चैनल है मेरा सहारा प्रॉपर्टी 50, इस माध्यम से मैं आप लोगों के पास तक, कुछ ग्रुप भी हैं मेरे बने हुए, आप तक पहुँचाता हूँ खबर। अपनी बात को पहुँचाने पर मेरा यही कहना चाहूँगा, उनके नंबर पर आप डायरेक्ट बात करें, अपने बातचीत तय करें, मध्यस्थता मैं मुझे याद करेंगे तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो अपनी बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। पारदर्शिता है, साफ सुथरा एकदम क्लियर मामला, कहीं किसी को छुपा नहीं ढका नहीं, हर चीज़ ओके रखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।